एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे कभी मार, मुझे जान से मार देगा, वैसा वैसा बोलने लगे। मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि श्रद्धा और आफताब का रिश्ता कैसा था। इस बारे में श्रद्धा के दोस्त ने जो खुलासा किया वो वाकई चौंकाने वाला है। श्रद्धा के दोस्त ने की थी मदद, पुलिस स्टेशन में करवाया था आफताब के खिलाफ मामला दर्ज। ओ ना बहुत मार खाई थी, फोन की मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फोन की, फ्रेंड ने मेरे को फोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले, उसको लगा था पुलिस चौकी, उसको लेके गया तुलिन पुलिस 2020 में, तुलिन पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया इनसे, FIR कराने के बाद में उसको हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, तो हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पर लेके आए उसको। लेके आने के बाद में मैंने पूनम बिडलान ऑफिस पर लेके गया, लेके जाने के बाद में बात किए, बातचीत वगैरह किए, करने के बाद में मैडम बोली कल आ जाओ, तो अभी हम लोग बोल के पुलिस उठवा सकते, उसको लेके आएंगे, तो वो बोली अभी नहीं, एक दिन होता है रिलेशनशिप में होता है ऐसा। तो दूसरे दिन बुलाया, तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे कभी मार, मुझे जान से मार देगा, वैसा वैसा बोलने लगे। आफताब ने निर्दयता की हदें पार कर रखी थी, दोस्त की माने तो वो श्रद्धा पर हाथ उठाता था। इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया, और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी ये मेरे को घर में बंद रखता है, उसका एफ आई आर भी है, उसके अंदर वो घूमता 2 दिन लड़का कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कर आया, तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए एक्चुअली, हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने गॉडविन मेरा दोस्त है उसको हेल्प मांगी उससे, तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता, उसके बाद में वो हम लोग के कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। दोस्त की बातों से साफ है कि आफताब का प्यार नहीं वो सनक थी। वो बोलती थी एक्चुअली, फोन वगैरह करती थी बोलती थी, मगर ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं लेती थी वो, दिल पे बोलती थी सीरियस नहीं था। 1-2 बार मेरे दोस्त के गॉडविन के दोस्त आए घर पे मिलने, बात करने आई, उसके बाद में बात मतलब कभी ऐसा हम लोग को नहीं मालूम पड़ा ये ऐसा कर देगा। तो श्रद्धा ने कभी इस तरह बताया जब वो घर चेंज करती थी, कभी एड्रेस बताती थी या अपने परिवार की कोई बात बताती थी? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं बताती ना एक्चुअली, हमने कभी उसको पूछा भी नहीं घर के बारे में भी एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है ऑफिस जैसा हम लोग को मिलती थी, खाली हाय बाय ही रहता था हम लोग का। अच्छा, कभी ये भी बोला क्या कि आफताब किस तरह का नशा करता है या किसी तरह पैसे के लिए मारपीट करता है? नहीं, पैसे के लिए एक्चुअली नहीं बताया था, वो खाली बोलते नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे, और लड़की लोग से ज़्यादा बात करता है, लड़की का घूमता फिरता ज़्यादा है, गाड़ियों का बहुत शौक है उसको घूमने फिरने का लड़की लोग को लेके। आफताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी किस पड़ाव पर थी ये कहना जरा मुश्किल है।